श्री सत् उपासिये नमः। श्री सत् उपासित दिव्य सहस्र नाम स्तोत्रम्। 76वां श्लोक। नव पंकज सादृश पाद द्वय दत्त तनुभव औदार्य निधि करुणा रस पूर्ण ब्रह्मस्वभाव। अभी अभी खिले हुए कमल के समान दिखाई दे रहे श्री सत उपासी के पाद द्वय जो दत्त द्वारा प्रकट किए गए हैं, आपके औदार्य के औन्नत्य और कारुण्य की मैं कैसे प्रशंसा करूं? हे करुणारस पूर्ण, हे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव, आपको नमन। श्री सत उपासिये नमः। 77वां श्लोक। निर्ममताधिवासो गुणिस्तुत गुणिने कृतागमे हृल्लेख मंत्र सारग्न चित्तांतस्थ मनोहरा। निर्ममता के अधिपति होते हुए भी आप हम सबको माँ की ममता के समान स्नेह देते हो। आप महान सद्गुणों से युक्त हो। जो सद्गुणी होते हैं उनके गुणों की प्रशंसा करने वाले हो। हृदय में मंत्र सारज्ञ के रूप चित्त में स्थित हे कृष्ण मनोहर श्री सत्तुपासी गुरुदेव, आपको प्रणाम। श्री सत उपासिये नमः। 78वां श्लोक। लब्ध प्रतिष्ठः ज्ञान परिपुष्ठः श्रेष्ठः नियमोयमः स्वादुत्रयी व्रतनिष्ठः परमादित्य उत्तमोत्तमः। जगत में प्रसिद्ध महोदय, महान ख्याति में ज्ञान से पूर्ण, श्रेष्ठ यम और नियमों का अत्यधिक श्रद्धा से पालन करने वाले, स्वादुत्रयी रुचिपूर्ण ब्रह्म व्रत में निष्ठावान, परमादित्य के समान प्रकाशमान, उत्तमोत्तम मार्तांड रूपधारी, आपको प्रणाम। श्री सत उपासिये नमः।